जितिन प्रसाद ने भले ही बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन किया हो, ज्योतिरादित्य से ने मुलाकात कर भले ही सब कुछ ठीक होने का संदेश दिया हो, लेकिन हकीकत ये है कि जितिन प्रसाद के टिकट का पेंच अब तक फंसा है। उनका नाम ना तो धरौरा से फाइनल किया गया है और ना इस बात का संदेश भिजवाया गया कि कांग्रेस का एक गुट जितिन प्रसाद को निपटाने के लिए लखनऊ की सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहता है। लेकिन जितिन बलि का बकरा बनने की तैयारी में नहीं है, खेल तो यही फंसा है। जितिन के समर्थकों ने इसीलिए नेशनल हाईवे जाम कर दिया, पुलिस आई, लाठियां भांजी, तब जाकर उनके समर्थक सड़क से हटे। समर्थकों को जितिन ने हाईकमान से बात करने का भरोसा दिलाया। जितिन धरौरा से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार वहां से उनका पत्ता काटने की पूरी तैयारी है। इस पूरे खेल का नतीजा ये है कि धरौरा में कांग्रेस का प्रचार लगभग बंद हो गया है। खेल तो कांग्रेस का लखनऊ से भी खराब है, क्योंकि अगर किसी तरह घसीट कर जितिन को लखनऊ की सीट से चुनाव लड़वा भी दें तो संदेश यही जाएगा कि मजबूरी में वो यहां से चुनाव लड़ने आए हैं। और उधर धरौरा में जिसे भी टिकट मिलेगा उसका 3-5 करने के लिए जितिन के समर्थक जी जान से जुट जाएंगे। मतलब दो सीटों पर कांग्रेस ने अपना खाना बैठे बैठे ही खराब कर दिया। कहते हैं कि सियासत में किसी बात का कोई अंत नहीं होता, इसलिए बीजेपी में जाने का विकल्प जितिन के सामने आज भी खुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।